चुनावी सरगर्मी के साथ गुड्डा में हुआ प्राकृतिक आपदा तेज आंधी के साथ तेज बारिश की वजह से काफी नुकसान के साथ हुआ बहुत बड़ा घटना। विधायक प्रदीप यादव ने इस घटनाक्रम को लेकर दुख जताया और कहा कि इस प्राकृतिक आपदा को लेकर गुड्डा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान को लेकर हमने सरकार के मुख्य सचिव से बात कर मुआवजे एवं राहत पहुंचाने की आग्रह किया। चारों तरफ पंचायत चुनाव मारामारी है, आपाधापी है, सरगर्मी बढ़ा हुआ है चुनाव के कारण। ग्लूसी बीच प्रकृति का मार आमजनों पर पड़ा है और आज गुड्डा के आसपास तेज आंधी आई, काफी तेज आंधी था जिसके कारण सैकड़ों गाछ वृक्ष सड़क पर पलट गया, मकानों में गिर गया, दुकानों पर गिर गया, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप पर गिरा तो पूरा पेट्रोल पंप तहस नहस हो गया। जो हाट लगी हुई थी वहाँ भी कई वृक्ष गिरे, वहाँ भी दो जान गया। अब तक जो सूचनाएं प्राप्त हुई है कि 7 से 8 लोग मारे गए, लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पूरी सूचना हमने राज्य के मुख्य सचिव से बात करके दी है, मुख्यमंत्री से भी बात करके दी है और हमने आग्रह किया है कि क्षति का आकलन कर जिन परिवारों के सदस्य मरे हैं उन्हें भी राहत पहुंचाया जाए, उन्हें भी मुआवजा दिया जाए और जो लोग की क्षति हुई है संपत्ति की, उस संपत्ति का भी नुकसान का आकलन करके शासन राज्य सरकार जल्दी मुआवजा पहुंचाए और जो बिजली के तार गिरे हैं, जो सड़क आवागमन बाधित है वो जल्दी चालू हो, उस दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास करना चाहिए और हमें लगता है कि सरकार ने संज्ञान में लिया है, जल्दी ही इस समस्या का समाधान।